पॉकेट में हाथ है वगैरह। और आप देखिए, इसको देखिए, ये एक ब्राजीलियन पुलिस ऑफिसर है जिसकी यूनिफॉर्म पे कमरान का चेहरा डाला गया। दिस वाज द नैरेटिव दैट वी आर गिवन बाय द आईबी ऑफ दिस कंट्री एंड वी आर नॉट चैलेंज इट। कभी जवानों को बना देंगे, कभी हिंदू मुस्लिम दंगा करवा देंगे ताकि वो इलेक्शन में जीते रहे। ऐसे 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक 11 इंटेल अलर्ट थे, वो एक्शनेबल थे। एक्शनेबल का मतलब ये होता है कि कौन था मुदस्सर अहमद खान, कौन से गांव में था, वो कहाँ घूम रहा है, ये सब उनको पता था। तो तब तो आपने इसको नहीं निपटाया, मगर आतंकवादी हमले के 3 हफ्ते बाद आपने मुदस्सर अहमद खान को मारा। घटना 3:10 को हुई। बाद में हमको पता चला कि 5:10 को रुद्रपुर की एक मीटिंग को मोदी जी ने संबोधित किया, मगर उन्होंने फुलवामा का जिक्र नहीं किया। मगर टीवी पे टिकट टेप चल रही थी जब मोदी जी बोल रहे थे रुद्रपुर को कि 10 जवान शहीद हो गए थे फुलवामा। और फाइनली 6:46 PM को वो ट्वीट करते हैं और 7 बजे वो कॉर्बेट नेशनल पार्क से चले जाते हैं। ये कहानी हमको अभी तक थी, मगर 1 घंटे के बाद उनको फोन आया सत्यपाल मलिक जी को, दैट इज व्हाई दे आर नॉट चैलेंजिंग इट। वो डरे हुए फुलवामा से, ये तो डेफेमेशन केस हो जाता सत्यपाल मलिक पे, अभी तक मेरा तो एनकाउंटर ही हो जाता, या हो सकता है कि हम लोग भारतीय सरकार को ये अनुरोध करते हैं, वी अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि अयोध्या का राम मंदिर, काशी, मथुरा, वो सबको फुल प्रोटेक्शन दे, डबल सिक्योरिटी करे। कुछ नेताओं का आधा सिक्योरिटी हटाकर उनको दे दे हमारे मंदिरों को, क्योंकि अगर ये मंदिर उड़ाए गए उसके बाद पता नहीं देश का क्या हाल होगा और उसके पता नहीं कहाँ जाएगी बात। आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर संजीव सूद जी लेफ्ट ऑफ, जस्ट गो टू कर्णपुरा। संजीव सूद जी ने सही बात बोली कि 350 अगर RTX आया ही था तो वो स्लोली स्लोली आया है, मगर लेफ्टिनेंट जनरल हुडा जिनसे मेरी बात हुई है मेरे लेक्चर के बारे में भी, उनका न्यूयॉर्क टाइम्स का स्टेटमेंट था कि दी बॉम्ब्स, दी एक्सप्लोजिव्स कुड हैव बीन लोकेटेड फ्रॉम विद इन द कंट्री सेल्फ। जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे का काम चल रहता है वहीं से बॉम्ब शायद वहाँ से आए होंगे, ये हुडा जी का स्टेटमेंट था। बट संजीव सूद का जो पहला डिमांड था कि जो हुआ वो हुआ, जैश ए मोहम्मद ने किया, मगर पहला है कि जो जो अफसर जो जिम्मेदार थे इंक्वायरी हो, पनिशमेंट हो। और एक इंक्वायरी हुई थी, जो हेलीकॉप्टर हम लोग फ्रेंडली फायर में हमारा हेलीकॉप्टर गिरा गया जिसमें हमारे 6 एयरफोर्स के अफसर मारे गए, उसकी इंक्वायरी हुई और एक एयरफोर्स अफसर की जिम्मेदारी पाई गई, उसको सजा हुई। तो जब वो एक हेलीकॉप्टर को गिराने पे 6 अफसरों की मौत होने पर एक इंक्वायरी हुई, तो जहाँ 40 पुलवामा के जवान मारे गए आतंकवादी हमले में, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? और जो लोग प्रूफ मांगते रहते कि प्रूफ दीजिए सत्यपाल मलिक जी को, मेरा बोलना है कि अगर इंक्वायरी होगी तो प्रूफ मिल जाएगा, क्योंकि काफी सबूत तो संजीव सूद ने दिए और कुछ सबूत मैं आपको वहां पेश करने वाला हूँ, कुछ तथ्य और कुछ सवाल आपके सामने आने वाले। जब ये ब्लास्ट हुआ था मैं अम्बेडकर नगर में था इन बॉम्बे, हम लोगों ने तुरंत कंडोलेंस मीटिंग की थी, मगर वहाँ एक CRPF का जवान मुझे मिला था, चंद मिनटों के बाद ही वो हमारी बातचीत छोड़ गई। मैं बोला भाई हुआ कैसे, व्हाट इज योर प्रोसीजर, 78 गाड़ियाँ निकली हमको बोला गया है, तो व्हाट इज दी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, विल गो टू दैट नाउ, या दिस इज व्हाट इज दी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसमें जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है जिसमें जिसका रोड ओपनिंग पेट्रोल का जिक्र उन्होंने किया कि पूरा का पूरा हाईवे को सैनिटाइज करो, 200-200 मीटर की डिस्टेंस पे राष्ट्रीय राइफल के जवान खड़े होते हैं, जितने रास्ते खुलते हैं वो पूरे बैरिकेड हो जाते हैं, वहाँ कोई कुत्ता या कोई इंसान या कोई गाड़ी का सवाल ही नहीं आता विदाउट चेकिंग। ये कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग वॉज डन टू सैनिटाइज द हाईवे डिस्पाइट दी इंटेल अलर्ट्स विच आर कम टू। दी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जिम्मेदारी होती है अगर वहाँ कोई बॉम्ब मिलता है तो तुरंत उसको डील कर लो, दैट इज दी, बट नॉन ऑफ दिस वॉज एक्चुअली डन। So there is a question of negligence at one level, but a greater issue of complicity which I'll come to. थोड़ा यहाँ शांति रखें प्लीज। हम लोग सबको पता है वेदर कंडीशंस का सवाल था। जुलाई 2017 से जुलाई 2018 तक जो दैनिक भास्कर हिंदी अखबार है उसकी रिपोर्ट आई थी जो रविश ने कवर की थी कि लगातार मतलब उस दौरान अंटिल जुलाई 2018 LS were being done, जुलाई 2018 से बंद हो जाती है और उसके बाद लेटर जाते हैं मगर कोई उनकी सुनवाई नहीं होती। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लेटर है जिसका जवाब राधा सिंह को देना होगा कि ये एयरलिफ्ट आपने बंद क्यों की। दिस इज अ लेटर ऑफ जो BSF रिटन लेटर, वो लेटर आपके सामने आया, ठीक है। और वो लेटर 7/1/2019 का है, 7 जनवरी 2019 का लेटर है। तब से ये लेटर लगातार चल रहे थे। 14 फरवरी को ब्लास्ट होता है, 21 तारीख से फिर से हेलीकॉप्टर लिफ्ट, मतलब इट वॉज अवेलेबल, इट वॉज नॉट डन, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने एक नई बात बोली थी उस दौरान कि स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट तो मैं करवा देता, अगर CRPF ने मुझे बोला था तो मैं एयरलिफ्ट करवा देता, इतना आसान था। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। 3:10 के धमाका होता है। नाउ आई एम कमिंग टू कि ये नैरेटिव कैसे भुनाई गई थी। इट वॉज सच अ फ्लिमसी नैरेटिव एंड वी हैवंट चैलेंज्ड इट द वे वी शुड हैव, इसलिए बार बार वही कांड होता है हमारे देश में, क्योंकि जैसे आप सवाल खड़े करो तो पाकिस्तान जाओ, आप एंटी नेशनल वगैरह वगैरह चालू हो जाता है और लोग थोड़ा डर के भाग जाते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू, जब ये ब्लास्ट हुआ 3:10 पे, ये तो ब्लैक स्कॉर्पियो महिंद्रा मॉडल, जैसी had been filed. We don't know who the owner is. Then the black Scorpio turns to a red Maruti Eco, where the chassis number is found. They changed the car, model and the color, and we kept on listening to the narrative on our TV screens. मीडिया में चार नैरेटिव्स आए, जो लेना ले लो, ऑल आई विटनेस अकाउंट्स, ऑल फेड बाय द आईबी. एक है कि वो जम्मू से पीछे लगी थी, दूसरा थी कि वो श्रीनगर से सामने से आई, एक साइड रोड से आई, वहीं पार्क थी. टेक व्हाट यू वांट. देयर वाज नो वन नैरेटिव कमिंग थ्रू द न्यूज दैट वाज बीइंग प्लांटेड इन द मीडिया. वो भी अलग अलग किस्म के कंफ्यूजन पैदा करने वाली नैरेटिव्स थी. नाउ कमिंग टू द इंटेल वार्निंग्स, यू मे बी शॉक्ड and the country should be shocked. Not a single intel warning was provided to Satya Pal Malik ji. मैंने उनको पूछा, सत्यपाल मलिक जी, एक जगह पे आप बोल रहे हैं कि गलती हो गई, जिसके बाद मोदी जी का फोन आता है, डोल जी का भी फोन आता है. तो मैंने पूछा, एक जगह पे बोल रहे हैं कि गलती हो गई, हमको पता नहीं था, इंटेल अलर्ट से नहीं, और दूसरी जगह आप बोल रहे कि 10-12 दिन से गाड़ी घूम रही थी 300 किलोमीटर/सेकंड. ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? सत्यपाल मलिक जी हैड इज ईयर टू द ग्राउंड. एक आम आदमी भी, मैं भी फ़ोन कर लेता हूँ, मेरा भी फ़ोन उठा लेते हैं. एक आम आदमी भी कश्मीर का उनको फ़ोन करके बात कर सकता था. ये उनका एक गवर्नर होने का एक कमिटमेंट था विद द पीपल. That was how he was close to the ground. तो एक हवा में बात आ गई थी कि कुछ होने वाला है. एक गाड़ी घूम रही है 300 किलोमीटर/सेकंड लेकर, वो सत्यपाल मलिक को पता हो चुका था. दिस इज एन इंटेल अलर्ट विच आई हैड, विच सत्यपाल मलिक डिड नॉट हैव एक्सेस टू. दिस इंटेल अलर्ट इज ऑन दी 8th of February. उसमें क्लियर कर लिखा है, बिफोर ऑक्यूपाइंग योर प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट प्लीज सैनिटाइज द एरिया प्रॉपर्ली एज आर इनपुट्स ऑफ यूज ऑफ आईडीज मैटर मोस्ट अर्जेंट. ये एक इंटेल अलर्ट है 8 फरवरी का. ऐसे 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक 11 इंटेल अलर्ट थे. वो एक्शनेबल थे. एक्शनेबल का मतलब ये होता है कि कौन था मुदस्सर अहमद खान, कौन से गांव में था, वो कहाँ घूम रहा है, ये सब उनको पता था. तो तब तो आपने इसको नहीं निपटाया, मगर आतंकवादी हमले के 3 हफ्ते बाद आपने मुदस्सर अहमद खान को मारा. गांव का नाम तक पता था कि वो कहाँ छिप रहा है, कहाँ घूम रहा है. ये इंटेल अलर्ट है. ये इंटेल अलर्ट सभी CRPF, BSF, आर्मी के जितने इंटेल डिपार्टमेंट है सबको चला गया. ये तो एक ही आपको बता रहा हूँ. और खतरनाक बात सुनिए आप. 12 फरवरी को जस्ट टॉप ऑन द 12th. मतलब इंटेल अलर्ट कितना स्पेसिफिक हो सकता है आप देखिए. 12 फरवरी को 313_GT ट्विटर हैंडल है, जो सोमालिया का अल शबाब जो आतंकवादी संगठन, उन्होंने अपलोड किया था. क्योंकि सोमालिया में जो धमाके होते हैं, सीधी की सीधी ट्रक या जीप वो धमाके से उड़ा देते, जैसे पुलवामा हुआ. तो जब हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस को वो दिखा तो उन्होंने एक डमी वीडियो बनाया कि इस प्रकार का हमला हो सकता है, और उन्होंने सभी को वो वीडियो भेजा कि अ कार विद बॉम्ब्स कैन हिट अ रैम इनटू आर एंड एक सुसाइड अटैक. यहां तक उनको पता था कि ये सब हो सकता है. फिर एज यूजुअल अमेरिका ने तो अपना ट्रैवल एडवाइजरी दे दिया था कि अनसेफ है. अमेरिका को पता ही होता है, तो अमेरिका ने कितना डाइवर्ज किया भारतीय सरकार को आज तक हमको पता नहीं, क्योंकि ये सवाल ही नहीं पूछा हम लोग ने. ओके, नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द पीस ऑफ द पजल. देयर आर 2-3 पीस ऑफ द पजल. 13 फरवरी को ब्लास्ट कब हुआ? 14 तारीख को, बराबर. 13 फरवरी को 2:30 बजे दोपहर को सिरनू गाँव को 2:30 बजे एक स्कूल में एक ग्रेनेड अटैक होता है. एक दिन पहले जिस रूट से गाड़ी आ रही है, आदिल दार के घर से का जो घर था और यहाँ जो ब्लास्ट हुआ वो 10 किलोमीटर का रास्ता है. तो जिस रूट से गाड़ी आ रही है, उसी सिरनू गांव अवंतीपुरा में एक ब्लास्ट होता है स्कूल में. 19 बच्चे घायल होते हैं, 5 को श्रीनगर के अस्पताल लाया जाता है. तब मुझे लिंक मिला था, एक ट्विटर पर न्यूज़ पोस्टेड थी, आज वो लिंक गायब हो गया है. वो न्यूज़ अभी तक है. जिसका मतलब यह है कि अगर नहीं वहाँ ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद वो इलाका आर्मी पार्लियामेंट्री के हाथ में चला जाता है. कर्फ्यू सिचुएशन आ जाती है. दैट मींस नो आई विटनेसेस वर देयर व्हेन द कार वाज कमिंग फॉर द ब्लास्ट. नाउ कमिंग टू आदिल दार, व्हिच संजीव जी लेट, बट आई एम आल्सो कमिंग टू अनदर पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन. आदिल दार जो गाड़ी में, जिन्होंने गाड़ी उड़ा दी थी, आदिल दार को 6 बार पकड़ा गया था, कभी भी अरेस्ट नहीं हुआ. वो ही वाज नेवर इन देयर कस्टडी. दैट्स व्हाट वी आर टोल्ड. बट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Go to the next slide. This is a report from the Kashmir Times of a militant attack on the 9th of October 2017. 9 अक्टूबर 2017 को एक militant attack होता है. मां आदिल दार का नाम है. मैंने अनुराधा भसीन जी को फोन किया था, कहे वही आदिल दार है, मुझे पता नहीं वो बोली. मगर ये ढूंढना बहुत जरूरी है कि अगर वही आदिल दार था जो 2017 में पकड़ा गया था, क्या वो आईबी के गिरफ्त में था या उसको छोड़ दिया था. अगर वो आईबी के गिरफ्त में था और उसके बाद एक कांड हुआ है, तो आप समझ लो क्या क्या हो रहा है. दिस इज वेरी डेंजरस पार्ट ऑफ द एंटायर इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, व्हिच वी नीड टू वेरीफाई. फर्स्ट यू आर टोल्ड इंडिया टीवी न्यूज, मैं तो टीवी रहता था, आई यूज्ड टू चैलेंज ऑल दिस. इंडिया टीवी का न्यूज था कि अब्दुल रशीद ये मास्टरमाइंड है. बाद में पता चला अब्दुल रशीद 2007 में मर चुका है. उसके बाद एक नया आता है, ये नया देखोगे तो आप और ही हंसोगे. कमरान करके एक नया आतंकवादी मास्टरमाइंड आ जाता है। प्लीज कीप ऑन नाउ, जस्ट गो अप, जस्ट गो अप नाउ, जस्ट ऑन इट। उसका एक्शन आप देखो, वेरी हैंड्स, हाथ में सैटेलाइट फोन है, पॉकेट में हाथ है वगैरह। और आप देखिए, इसको देखिए, ये एक ब्राजीलियन पुलिस ऑफिसर है जिसकी यूनिफॉर्म पे कमरान का चेहरा डाला गया। दिस वाज द नैरेटिव दैट वी आर गिवन बाय द आईबी ऑफ दिस कंट्री एंड वी हैव नॉट चैलेंज्ड इट। दैट इज व्हाई दे हैव द गट्स टू कीप ऑन डूइंग दिस ऑल द टाइम टू अस। कभी जवानों को मारा देंगे, कभी हिंदू मुस्लिम दंगा करवा देंगे ताकि वो इलेक्शन में जीते रहे। Just go to the armored car. Yes. This is what an armored car looks like. This is what our CRPF sit in. And this is the suit that Modi has. Modi का suit ही बता दिया 10 लाख का होगा, ठीक है। ये CRPF के जो बस, आप एक वीडियो में आया था कि अगर आप पत्थर में मारोगे ना, ये वो पत्थर से चला जाता है। इस किस्म के बसेस में इनको मरने के लिए भेजा जाता है। और जो देशभक्त अर्णब गोस्वामी जैसे है, वो पुलवामा होने के बाद वो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि नाउ वी हैव 1 लाख क्रेजी, अभी हम लोग जीत चुके हैं। दिस वाज अर्णब गोस्वामी व्हाट्सएप सेलिब्रेशन ऑन पुलवामा। तो द पॉइंट इज, आज तक हमको पता नहीं है कि ये 78 गाड़ियों में से कितने आर्मड गाड़ियां थी, कितनी अनआर्मड गाड़ियां थी, वो भी हम लोग पता नहीं आज तक, क्योंकि हम लोग ने ये सवाल नहीं पूछे। संजीव सूद जी सही बोले कि एक इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट होगी। जब इतना बड़ा बातचीत हो रहा है, मुदस्सर अहमद खान घूम रहा है, पैसे का ट्रांजेक्शन होगा, बातचीत होगी। तो जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान में बात कर रहा है, वो आपको पता है, भारत में जो बात करता है, तो उनका एक नया प्लांट स्टोरी आ गया था कि नाउ दे हैव न्यू Y2K2 टेक्नोलॉजी, जिससे हमको नहीं पता चला क्या बातचीत होगी। But Anand Bhakto said there were 11 intel alerts specific with the names, the places, what kind of attack from where, everything was known. What about the communication system? वो सैमसंग कैमरा जो उनके पास होता है, उनका मोबाइल, वो होता है सेल्फी के लिए बाइडेन के साथ या जो भी, उनकी बात होती है सैटेलाइट फोन से ही। तो व्हाट वाज दीपेंद्र मिश्रा डूइंग, हिज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वाजंट ही इन कांटेक्ट विद मोदी? व्हाट वाज राधा सिंह डूइंग, व्हाट वाज दोवल डूइंग ऑन दैट डे? हाउ कैन वी बाय अ स्टोरी when we are on the verge of a war-like situation like Pulwama? Isn't the Prime Minister supposed to be in contact with NSA chief and with Radha Singh was at that time? Satellite phone का model तक मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह का satellite phone model उनके पास होना चाहिए। That is mandatory.